नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे जुनून और मैं हूं आपके साथ अंबुज उपाध्याय। गाजियाबाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार गाजियाबाद में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना लोनी बॉर्डर पुलिस ने बेहटा अंडरपास पर मोटरसाइकिल सवार को चेकिंग के दौरान रोका तो मोटरसाइकिल सवार अपनी मोटरसाइकिल को तेज गति से पीछे मोड़कर पुलिस पर फायर करते हुए भागने लगा, जिस पर थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा अपने साहस का परिचय देते हुए बदमाशों की घेराबंदी की गई। बदमाशों के द्वारा पुलिस को लक्ष्य बना करके जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षात कार्रवाई में एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। पूछताछ में पकड़े गए बदमाश ने अपना नाम सागर पुत्र सुनील निवासी 25 फोटा सरस्वती विहार थाना लोनी गाजियाबाद बताया, जबकि दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। इस पूरी घटना को लेकर अग्रिम कानूनी कार्यवाही की जा रही है। आर्डर और एसओजी देहात टीम द्वारा बेहटा अंडरपास पे चेकिंग बैरियर लगाया गया था और चेकिंग किया जा रहा था, उसी दौरान एक काले मोटरसाइकिल पे दो संदिग्ध सवार नजर आए। पुलिस टीम द्वारा जब रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने अपने मोटरसाइकिल को काफ़ी तेज़ी से मुड़ा करके और भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम द्वारा जब घेराबंदी किया गया तो उन्होंने पुलिस टीम को लक्ष्य करके जानलेवा फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आत्मरक्षार्थ अपने आप को बचाते हुए गोली चलाई, जिसमें कि एक बदमाश घायल हुआ और दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठा करके भागने में सफल हुआ। घायल बदमाश से पूछताछ किया गया, उसने अपना नाम सागर पुत्र सुनील बताया, जो कि सरस्वती विहार थाना लोनी का रहने वाला है। उसके ऊपर आधे दर्जन से अधिक लूट आदि के संगीन मामले पूरे NCR में दर्ज हैं, दिल्ली और गाजियाबाद में। थाना लोनी से वह वांछित अभियुक्त भी है। उसके पास से एक अदद चोरी की मोटरसाइकिल, तमंचा और कारतूस मिला है। उससे और भी कड़ाई से पूछताछ की जाएगी। प्रारंभिक चिकित्सा हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित। तो ये थी गाजियाबाद से हमारे संवाददाता प्रमोद गर्ग की रिपोर्ट। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए टुडे जुनून। नमस्कार।